श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। मंडल से आवाज आवे राधे राधे तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे। गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे। ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कि तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे हो, तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनियों, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनियों बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, मैं बलिहार। ओ तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, ओ तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादल कारे कारे। ओ तेरी कुंडल की झलकनिया पे, ओ तेरे कुंडल की झलकनिया पे, तेरे कुंडल की झलकनिया पे, तेरे कुंडल की झलकनिया पे। ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। गाइए बलिहार सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया ओ सांवरे, तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। गाइए ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। दोनों हाथों से ताली की सेवा कर दो प्रेम से। बिहारी लाल की गाय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ओ तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी
है प्यारी प्यारी ओ तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे तेरी मधुर मधुर पे जनिया ओ तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे तेरी मधुर मधुर पे जनिया पे जय बलिहार सांवरे ओ बलिहार सांवरे आप लोगों ने कलाकार तो बहुत सुना है लेकिन उस बच्चे की उम्र देखिए और उसका हाथ देखिए ये मेरा भतीजा है और उसका हाथ तो सभी लोग जितने भी खड़े हैं तो यहाँ पर आके बैठ जाए और जो साउंड के पास खड़े वो जरूर बैठ जाए क्योंकि हमारे वापसी रुक रही है साउंड के सामने भी खड़े हुए भगवान उनके भंडार भरे रहे एक बार सभी लोग जोरदार से जगह लगा दो आप लोग बैठ जाए सभी लोग साइड यहाँ पे आ जाए सभी लोग बधाई सभी लोग बधाई और लीजिए समय को देखते हुए सबसे पहले हमारे शास्त्री जी हनुमान चालीसा सुना रहे उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ है लीजिए सुने सभी लोग हेलो 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 जय हेलो हेलो उसको हाथ दिए वो हाथ उठाए और जिसे हाथ नहीं दिए वो नीचे कर लो हाथ भी उठा लो उसको छोड़ दो भी थोड़ी देर को छोड़ दो सभी लोग यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं पीछे वाले और अगले बगल वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग हाथ ऊपर करो दोनों सीधे और प्रेम से बोलिए जैसे सभी लोग बस मंच से दूर बैठ लोग मना नहीं मंच से दूर होगा लीजिए सुने सभी लोग बनाकर रखे सभी लोग और आपके इस ग्राम में मैं पहली बार आया हूं तो क्षेत्र में तो काफी दफे आया हूं लेकिन इस ग्राम में पहली बार आया हूं और यहां का बहुत नाम सुना है यहां पर बहुत ही अच्छा सुनते हैं तो आज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ध्यान दें सभी लोग और सबसे पहले हमारी मां बहने और हमारे भाई बंधु नन्हे मुन्ने बच्चे और जितने भी नौजवान साथी हैं सभी लोगों से आज्ञा चाहते हैं हाथ उठाकर आज्ञा देंगे सभी लोग सारा जी आज्ञा दे गए तो लीजिए सुने सभी लोग la 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 la
तो सुने ही श्री गुरुदेव नमः। तुम्हें जो सुने सभी लोग क्योंकि शुरू जिस काम को करके श्री गणराज से दीजिए तो ध्यान में सभी लोग शरीफों का मोहल्ला सीधी के पकड़ लिया जय जय करे समझदार है ना मालूम है तो जितने भी लोग यहां पर बड़े बड़े आदमी बड़े और सभी लोग बोले जय जय Thank you.
है भाई साहब। बैठो बैठ 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 के रहो यहाँ। हेलो हेलो, हमारे राजू भगत जी जहाँ कहीं भी मंच में आ जाए अपना हारमोनियम ले लीजिए। राजू भगत जी जहाँ गई भी हो हारमोनियम लेके मंच पर आ जाए। राजू भगत जी जहाँ गई हो हारमोनियम लेके मंच पर आ जाए। जय श्री राम भगत जी गाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
जैसा कि अभी अभी भैया ने बताया क्या कि जो पब्लिक है जैसे आप लोग हैं, मतलब जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो नहीं जाए, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है वो चला जाए। इसलिए ये भगवान का आज क्या है, जन्माष्टमी, आज हमारे ठाकुर जी का क्या है, हम और आप यहाँ पर क्यों विराजमान है, इसलिए बैठे हुए हैं कि हम और आप यहाँ पर आनंद ले, मजा ले, आनंद। और भगवान कौन है? सच्चिद और आनंद। भगवान कौन है? सच्चिदानंद, सच्चिद और आनंद। सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है, चैतन्य मैं भी कृष्ण है, और आनंद मैं भी कृष्ण है। तो कहते हैं कि जहाँ पर आनंद है वहीं पर हमारे ठाकुर जी हैं। और हर जिन भक्तों को भगवान की कथा में आनंद आए, जिन भक्तों के भगवान के भजन में आनंद आए, तो वो जरूर बैठेगा। और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है महाराज, वो चला जाएगा। इसलिए रोकने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? कहते हैं जो मन हमारा बड़ा चंचल मन है, हम कुछ करने, मतलब हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए जब हमारा मन लगेगा तभी तो बैठेंगे ना। बोलिए वृंदावन हरि राम की। यहाँ पर जितने लोग बैठे, अच्छा ये बताइए भोजन कौन कौन करके आया है या नहीं? सब लोग भोजन करके बैठे हुए ना। लोग यहाँ पर बैठे हो, किस लिए यहाँ पे आए? इसलिए आए हो ना कि भगवान का बढ़िया भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और आनंद लेंगे। और मानस में भी लिखा है, राणा में कथा सुंदर करतारी, संशय भी उड़ावे। मतलब जहाँ कहीं पर भी भगवान का भजन हो रहा हो, जहाँ कहीं पर भी भगवान की राम कथा हो रही हो, कृष्ण कथा हो रही हो, तो हमें जयकारा जरूर लगाना चाहिए। और जब झगड़ा होता है तो बड़ी जल्दी जल्दी इतनी आवाजें निकलती, महाराज समझ नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं। और जब भगवान का भजन करने के लिए हम बैठते हैं महाराज, तो गद्दे द्वार चिल्लाना पड़ता है, जैसे वो मिठाई बांटते हैं ना, तो जल्दी जल्दी आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और आप एक होकर के भगवान के नाम का भजन करेंगे, जयकारा लगाएंगे, तो कल्याण किसको को हमारा होगा ना। अब ये तो है नहीं, नहीं महाराज हमने भोजन नहीं किया, हम आपको खिला तो आपके पेट में चला जाएगा। आप कर्म करोगे तभी आपको ही फल मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ऐसे को देखते हुए भगवान का दोबार नाम बोली, वृंदावन हरि लाल की, राधे रमेश पान की। यहाँ पर मंच में जितने भी श्रद्धालु भैया संगीत प्रसंगत कर रहे हैं, अरे परम आदरणीय श्री अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के हृदय में श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए, तो आए भाव और श्रद्धा के साथ हम सभी मिलकर के गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
उसी प्रकार से एक परंपरा है जिसके खानदान में भगवान का भजन होता हो, जो कथा सुनता हो वही भगवान के भजन में ताली बजे, अन्यथा अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद कर ताली बजे। श्री सरस्वत्यै नमः।
लंबोदरं परमसुंदर मे कदंतम रक्तांबरं प्रणयनं परमं पवित्रम उद्धवाकर निभो जलकाय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमो व्यासो प्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदमासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेष जाण्यापः निःशेष जाण्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कहाँ छोड़कर के आए थे गोकुल में गोकुल में छोड़कर के आए थे गोकुल में जब वहां पर भगवान कन्हैया को देखा लाला को देखा तो नंद और यशोदा के कोई भी संतान नहीं थी जब संतान नहीं थी तब उन्होंने जब लाला का जन्म हुआ समस्त ब्रजवासियों को बुलाकर के बड़े ही धूमधाम से और लाला का जन्मोत्सव मनाया वही परंपरा आज भी चली आ रही है उसी परंपरा को लेकर के हम और आप सब इसी भगवान कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाते हैं तो भगवान कन्हैया के जन्म का उत्सव है और जो है साध्वी जी आपके सामने हैं और आज एक भजन एक बधाई के रूप में आप लोग श्रवण करेंगे बड़ा ही सुंदर भाव से देखिए महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी ने सुना कि जब कन्हैया का जन्म हुआ घनघोर घटा भादों का महीना है और आज वासुदेव महाराज कन्हैया को छुपे में लेकर के नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं गोकुल और जैसे ही वासुदेव महाराज जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पहुंचे सभी भगवान ने ऐसी योग माया फैलाई सभी नेत्रावस्था में सभी सो रहे हैं और आज कन्हैया भी काले हैं और मेघ भी काले घंघोर घटा छाई हुई है आज जैसे वासुदेव जी ने देखा जैसा श्री नारायण ने वासुदेव महाराज से कहा था जब मैं आऊंगा तो आप मुझे नंद बाबा के यहाँ जो मैंने योग माया से कन्या को बनाया है उस कन्या को उठा करके ले आ और ये मैया यशोदा के यहाँ उस पालना में सुला दे आज वासुदेव महाराज वही कर रहे हैं कहते हैं जी महाराज जी ने बताया हरि अनंत हरि कथा अनंत गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा हरि कथा राम ब्रह्म व्यास कति जति
पहले राम जी का जन्म होता है, फिर हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है। और समय के समय का भाव है। और कथा तो अनंत कहते हैं, कथा को अगर आप विस्तार से ना सुना तो समझ ही नहीं आता। और जैसा कि आज वासुदेव महाराज नंद बाबा के यहाँ गोकुल में कन्हैया को जैसे ही लिटाया है, और जैसे ही सुबह हुई, आज नंद बाबा ने देखा कि एक नहीं दो दो बालकों का जन्म हुआ है। सभी गोकुलवासी बधाई लेकर के आ रहे हैं। आज गोपियां भी जा रही हैं और नारद जी भी जा रहे हैं आज कन्हैया को देखने के लिए कि वो श्री नारायण एक सूक्ष्म बालक रूप में कैसे दिखाई दे रहा है। वो श्री नारायण इस संसार को पार लगाता है, भव सागर से पार लगा देता है। आज वही कन्हैया, वही श्री नारायण एक सूक्ष्म बालक का रूप लेकर के मैया यशोदा के पालना में झूल रहे हैं। आज जैसे ही सुना कि नंद बाबा क्या ज्ञान ने लियो, सभी गोपियां सभी ब्रजवासी गा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
तुम रखो रहो तुम रखा जाने और कौन कौन सी जगह बोले और बातें हरियाणे की सरकार की तो आनंद कैसे ले सही लोग अरे मेरे लहला आज भी चले योग हाथ ऊपर जैसे पुलिस वाले जवाब दे वैसे मेरे लहला झूले सभी
आपसे बच्चा करा
चाहे जो भी हो फिर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब स्वयं को पीड़ा होती है तो केवल हमारी पीड़ा का हरण करने वाला केवल परमात्मा है और कोई नहीं। तो आइए सब मिलकर के भगवान की शरण में चलेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ननलाल
आइए अब साध्वी जी के भजन आप श्रवण करेंगे और समय हो चुका है भगवान का नहीं आगे जन्म का, तो जाकर के मंदिर में अभी अभिषेक कराएंगे और ठाकुर जी की आरती भी होगी, तो आप साध्वी जी से जो है एका दो बधाई के रूप में भजन श्रवण करेंगे और इसके बाद में जो कलाकार आए हुए हैं झांसी से इनका भी भजन सुनिए। शमशान तक लेकर के जाती है और वही आग लगाती है।
इसलिए संत ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा है। कश्मी बातें प्यारी कहते हैं ना, जमाने में क्या इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार है मगर, जहाँ चमत्कार है वही तो नमस्कार है। इसलिए कहते हैं संसार में कुछ नहीं है, ना तो प्रेम है ना कुछ है, अगर प्रेम किसी से करना है तो हमारे गोविंद से करिए, क्योंकि वो भी अगर आपने गोविंद का हाथ थाम लिया महाराज तो वो गोविंद आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं। कश्मी बातें प्यारी बखाश है, बातें बातों का क्या। आज के समय में लोग परेशान है कि दूसरे से कोई बात नहीं करता, कोई ये नहीं करता, सब परेशान। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कश्मी बातें प्यारी बखाश रिश्तेदारी झूठे नाती ना अंत समय ना आए। जो मैं कहते हमारे जीवन में क्या लगा हुआ है, हमारे जीवन में मैं नाम का एक रोग लगा हुआ है, वो रोग लगा है क्या मैं कहते ना मैं ये मैं ना ने मैं ना कही दस बीस जो बकरी होती है वो दिन रात मैं करती रहती। और हमारे जीवन में भी मैं नाम का एक रोग है। कहते ना जब हमारे जीवन में कुछ कुछ प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाती है तो ये अहंकार हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन याद रखिए महाराज ये अहंकार भी हमारे साथ नहीं जाने वाला। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा कहते हैं ना आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाना है। कहते जो इस आसमान में भी उड़ता है ना, इस संसार में दुनिया में अपना राज करता है ना, उसे भी एक ना एक दिन इस मिट्टी में मिलना है, ये बात पक्की। कहते हैं राम नाम सत्य है और ये दुनिया की व्यथा व्यर्थ है, इसलिए अगर इस संसार में सत्य है तो केवल वही नाम सत्य है, वो है भगवान का भजन करना भी कर देता है। वही भगवान है विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। आज वो श्री नारायण कन्हैया के रूप में शिशु के रूप में आज मैया यशोदा के हम बाल लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान की बाल लीलाएं कहते ना जो इस कथा को जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कभी देखा ना हो उनकी मूर्ति को देखकर के मन ललचाता है कि प्रभु आपके दर्शन कब होंगे। और जिस समय उस गोकुल में कन्हैया को गोपियां निहार रही होंगी वहां अद्भुत नजारा तो केवल संत लोग ही समझ सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में अपने से जीवन को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब हमें ये भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। कहते भाग्यो देन बहु जन्म समर्पित, एक जन्म नहीं, जब हमारे अनेक जन्मों जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें भगवान की अद्भुत पवित्र कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए इस जीवन को ऐसे नहीं गंवाना है, जो भी समय भगवान ये नहीं कहते अब 24 घंटे भजन करो भक्ति करो, बिल्कुल भी आपके पास 5 मिनट समय है आप 5 मिनट भी भगवान का भजन कर सकते हो, लेकिन हमारे जीवन में निस्वार्थ होना चाहिए। और जब आप निस्वार्थ होकर के भगवान से प्रेम करोगे महाराज तो वो भगवान आपको दर्शन देने के लिए और आपके जीवन का कल्याण जरूर करोगे। बोले शिवा के बिहारी लाल की भक्त वैष्णव भगवान की। जल्दी जल्दी कुछ क्षण के लिए भगवान के चरणों में अपने जीवन को इस शरीर को इस आत्मा समर्पित करते हैं। Thank you.
Yeah.
Thank you.
बारंबार राधे अलबेली सरकार, ओ यही है विनती बारंबार।
पार राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। राधा रानी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार, ओ सुन लो मेरी करुण पुकार राधे अलबेली सरकार, ओ राधे कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। वो तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए, और तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए, तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए, वो तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार, ओ तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार राधे। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए, माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, बोली मनोहर कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे लोग गाते रहेंगे कृष्णा। सबको लगे प्यारा सा कृष्णा।